गुड मॉर्निंग YouTube, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हरे कृष्णा और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ बहुत ही आशुतोष करुणा में यार हम सब मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, प्रेममयी कृष्ण सेवा प्रदान करें, जैसे वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा कृष्ण के राम के विष्णु के जप में लगे रहते हैं, वैसे ही हमें भी है थोड़ी सी कृपा प्रदान करें कि हम भी भगवान की थोड़ी सी कृपा को आकर्षित कर सकें और उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि हम बिना वैष्णवों की कृपा की भक्ति नहीं कर सकते। तो शिव जी तो परम वैष्णव माने जाते हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी हैं और 12 महाजनों में से एक शिव जी हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, तो सबसे बड़े वैष्णव सब वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी ही हैं। तो लेट्स प्रे टू शिव जी कि हम सबको कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सब देख ही सकते हो कि कृष्ण की हर एक लीला में शिव जी कैसे अपना भाग लेते हैं, चाहे उनके नंदगांव में हो नंदीश्वर महादेव के रूप में, चाहे वृंदावन में हो गोपेश्वर महादेव के रूप में, चाहे वो हर जगह हर इवन मायापुर में भी नवद्वीप में भी शिव जी विराजमान है। तो हम लोग उनकी भक्ति का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कितने प्योर डिवोटी हैं भगवान के, कि वो हमेशा ही। और ऐसा नहीं है कि शिव जी और भगवान में कोई अंतर है, अगर हम गहन अध्ययन करें तो भक्त और भगवान का अंतर है, बट शिव तत्व को समझना बहुत गूढ़ है। चार तत्व बताए गए हैं जिन जो बहुत गूढ़ और बहुत रहस्यमय तत्व हैं, जो जिनमें से एक तत्व है राधा तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व। ये चारों तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है और इस भौतिक जगत में तो भौतिक बुद्धि से तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि हमें समझना हम इस भौतिक जगत में नहीं समझ सकते हैं। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा बहुत समझ आता है कि हाँ इनका रहस्य क्या है, क्योंकि अगर हम श्रीमती राधा रानी को देखें तो एक भौतिक जगत में लोगों ने देखते कि एक लड़की है जो कृष्ण के प्रेम में है, तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो कृष्ण से अभिन्न नहीं है, कृष्ण के अंतरंगा शक्ति हैं। अगर हम धाम को देखें, धाम को हम लोग एक ऐसा देखते कि हाँ कि इंडिया का पार्ट है, इंडिया में यूपी में एक वृंदावन है तो वो एक पार्ट है, बट सभी धाम आध्यात्मिक जगत का पार्ट होते हैं, कभी भी वो इस धरती का पार्ट नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का पार्ट होते हैं। वैसे गुरु तत्व है, गुरु तत्व हम गुरु को देखते हैं कि गुरु भी हमारे जैसे कपड़े डालते हैं, बीमार होते हैं, खाना खाते हैं, वैसे गुरु तत्व है। गुरु इज नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, गुरु भगवान के करुणा अवतार होते हैं। तो हम लोगों को ये भौतिक जगत में ही समझ नहीं आता। वैसे शिव जी हैं, शिव जी को हम लोग भगवान समझते हैं, बट वो भगवान के हमेशा भक्त है, भगवान से भिन्न भी नहीं है, भगवान का ही स्वरूप गुणा बता रहे हैं शिव जी। तो शिव जी हमेशा ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा ही हमेशा सॉरी। तो हमें आज शिव जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव जी हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम उनसे कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और शिव जी को वैष्णव बहुत प्रिय हैं, बहुत बहुत प्रिय हैं शिव जी को वैष्णव। तो आज हम भगवान शिव जी आशुतोष से प्रार्थना करेंगे कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, कि हम भी कृष्ण की प्रेम में सेवाएँ कर पाएँ। और शिव जी तो आशुतोष हैं, वो हमेशा वैष्णवों से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी से ही। तो आज हमें यही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा ही हमें कृष्ण प्रेम मिले, इसकी प्रार्थना करेंगे आज हम सब लोग। तो आप सभी को हर हर महादेव, हरे कृष्णा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा सही है, ठीक है ठीक है, मतलब आज किसी स्पेशल से मिलने जा रहा हूँ मैं। तो आप सब लोग मिलना, क्योंकि सस्पेंस बना के रखूँगा, सस्पेंस तोड़ दिया ना मैंने, आप सब लोग ब्लॉग में देखोगे, तो इसलिए सस्पेंस रहेगा ब्लॉग में जब तक मैं उस स्पेशल वन से मिलने नहीं जाता, वो सीधा भी आपको वीडियो में ही दिखेगा कि कौन आ रहा है स्पेशल वन। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। तो अभी हम निकल गए हैं बाहर, एयरपोर्ट जा रहे हैं तो किसी संबंध स्पेशल से मिलने के लिए। तो अभी नहीं मैं आपको बताऊँगा, तो आप सबको पता लगेगा थोड़ी देर में जब हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। तो
स्टे ट्यून्ड। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के रास्ते में। अब मैं आपको रास्ता तो नहीं बताऊंगा कौन सा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मैं ना किसी को, तो ओके बाय। वन मोर थिंग, दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, सो वेयर मास्क। अभी कोरोना गया नहीं है तो अपनी मास्क डाल के रखिए, ओके बाय। फाइनली जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, हमारा स्पेशल वन आ गया है और बस अब हम उन्हें लेने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, सो अभी हम खाना बना रहे थे, तो जस्ट खाना बनाते बनाते मैंने टमाटर रखे और हम टमाटर रख के भूल गए, एंड रिजल्ट इज टमाटर जल गए। अभी मैंने फिर से टमाटर बनाए, फिर से टमाटर काटे और फिर से गैस पे रखे हैं, अभी फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी। मीन्स डबल मेहनत हो गई आज, मतलब कब से काटा हुआ था मैंने, कब से रख के फिर मैं ना कॉल्स के ऊपर लग गया। हाँ, दीदी आए हैं तो दीदी के साथ कॉल किया, सभी की घर वालों की कॉल आई एंड सभी लोग देख रहे थे, तो वीडियो कॉल में लग गए और सब्जी का सत्यानाश हो गया, पूरी की पूरी सब्जी जल गई। और अभी जस्ट मैंने फिर से टमाटर डाल के रखे हैं, अभी इसके पास ही खड़ा हूँ, अभी कोई रिस्क नहीं लूँगा सब्जी को लेके, तो अभी मैं टमाटर के पास ही खड़ा हूँ। सो देखते हैं क्या बनाते हैं आज। वैसे बना रहे हैं आज हम जीरा आलू और मिर्ची, स्टे ट्यून्ड। फाइनली वेट इज़ ओवर, मीट माई स्पेशल वन। क्या है, फोकस हो जा भाई, फोकस कौन कर रहे हैं अब। वो देखो मेरा बनी, मेरी खलीफ जान, ये है हमारी खलीफ जान, ये है मेरी दीदी का बेटा, मतलब मेरा भांजा, फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, तो हम लोग इतनी ब्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं इसके साथ खेल रहा था, छोटू से के साथ, इसके साथ मुझे खेलना था, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की है तो वो मैं अपलोड करूँगा, सो देखना और प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग ऑन हिम। क्यूट बॉय, इज़ इट अ क्यूट बॉय, देखो सो रहा है अभी। तो ये था हमारा सरप्राइज आज का, तो आज का सरप्राइज होता है ख़त्म, हम मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए गुड नाइट और कीप शेयरिंग माय ब्लॉग्स। मैं बहुत फंबल मार रहा हूँ, सॉरी। सो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ द गेन ब्लॉग्स। गुड नाइट फ्रॉम खलीफ टू, सो बाय बाय।